पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्र के 81 सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए विधायक कोष से 15 लाख की लागत से फर्श और दरी पट्टियां भेंट करने का कार्यक्रम की शुरुआत पुष्कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से की गई। रूपनगढ़ और श्रीनगर ब्लॉक के स्कूलों में भी विधायक कोष से यह सौगात देने का आश्वासन दिया गया। पुष्कर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सादे समारोह में विधायक सुरेश सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में शाला प्रबंधक को एक फर्श पट्टी और 37 दरी पट्टियां सौंपी गई। रावत ने कहा कि अभिभावकों को और शाला प्रबंधन की ओर से बच्चों की इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया था, जिसके बाद यह व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव, पार्षद लक्ष्मी पाराशर, भाजपा जिला मंत्री राजेंद्र महावर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों का शाला प्राचार्य राजश्री शर्मा, नारायण अग्रवाल सहित शाला स्टाफ ने स्वागत किया। इस मौके पर पिसांगन के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमंत कुमार मिश्रा ने विधायक रावत का आभार व्यक्त किया। आज अंधे ग्रामीण की जो तमाम स्कूलें हैं उन सबको हमारे यशस्वी विधायक जी महोदय ने उनकी कमी को देखते हुए यहाँ पर विद्यालय में विद्यार्थी को बैठने के लिए दरिया नहीं थी, उनकी बिछाने के लिए पट्टियाँ नहीं थी, उस कमी को देखते हुए 15 लाख रुपए की दरी और पट्टियाँ अजमेर ग्रामीण के स्कूलों में वितरित की है। और ये बहुत ही सराहनीय काम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे कार्यों में अग्रणी रहती है कि जो लोगों की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करें, और हमारे विधायक जी भी इस कार्य में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। और मैं विधायक जी का पूर्ण रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कार्य करके और लोगों को बच्चियों को एक बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करी। राजेंद्र महावर, जिला मंत्री, भारतीय। यहाँ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में जो अपने तीन उपखंड में जो अधीनस्थ विद्यालय हैं, आठ करके टोटल अपने पास 81 विद्यालय में PS, UPS, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, इन सभी में माननीय विधायक महोदय द्वारा विधायक कोष की सहायता से लगभग 15 लाख की दरी पट्टी, 37 दरी पट्टी प्रत्येक विद्यालय को, एक फर्श बड़ी साइज का जो अपने काम आता है वो प्रत्येक विद्यालय को इनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है बच्चों के लिए। और बहुत ही सह हृदयता से और सरलता से इन्होंने ये बात स्वीकार की और किए खादी भंडार के। आपका सुनना हेमंत कुमार मिश्रा, CPO। आज हमारे पिसांगन ब्लॉक के अंदर पढ़ने वाले पुष्कर विधानसभा की लगभग 81 सरकारी राजकीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए समस्या हो रही थी और काफ़ी शिक्षकों ने और अभिभावकों ने लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। कुछ स्कूलों का मैंने स्वयं निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि बच्चे फर्श पे बैठे हुए नीचे और कोई दरी है तो फटी हुई है। मैंने कहा कि एक बार पुष्कर विधानसभा के अंदर मैंने निश्चय किया कि सरकारी विद्यालय के अंदर फर्श दरी और पट्टी की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए मैंने लगभग पुष्कर विधानसभा के सभी स्कूलों के अंदर ये भेजने का मैंने प्रयास किया। इसी के तहत किसान ब्लॉक में 15 लाख रुपये की राशि मैंने स्वीकृत की और आज इसका वितरण का कार्यक्रम।